चलिए देखिए, क्लास आपका 10th है, सब्जेक्ट बायोलॉजी चल रहा है, चैप्टर आपका आज स्टार्ट किया जा रहा है 9th। चैप्टर 9th में है आनुवंशिकता एवं जैव विकास। इसके बारे में आप लोगों को आज हम एक फिगर के माध्यम से एक संकर संकरण का प्रयोग मेंडल का बताएंगे। इसके पहले आपको हमने इंट्रोडक्शन के बारे में बता दिया है। आज हम एनसीईआरटी पर आधारित इस चैप्टर के बारे में बताने जा रहे हैं और ये आपका मेंडल लॉ के अनुसार है। तो सबसे पहले देखिए, सर ग्रेगर जार्ल मेंडल, सर ग्रेगर जान मेंडल, पूरा नाम इनका सर ग्रेगर जान मेंडल है। इनका जन्म 1822 में हुआ था, 1822 में हुआ था, और इनकी मृत्यु 1884 में हुई, और इनकी मृत्यु 1884 में हुई। मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर का चयन किया था, मटर का चयन इन्होंने किया जिसे पीज कहते हैं। इसका बॉटनिकल नेम होता है पाइजन सेटाइवम, पाइजन सेटाइवम मटर का बॉटनिकल नेम है पाइजन सेटाइवम। इस पर इन्होंने अपना रिसर्च किया। इन्होंने 7 साल तक अपना प्रयोग मटर पर किया और इसके बाद इनका डेथ हो गया। तो मटर पर जो अपना प्रयोग इन्होंने किया था, वो पहला प्रयोग एक संकर संकरण का प्रयोग किया जिसे हम मोनो हाइब्रिड कहते हैं। क्या कहते हैं? मोनो, मोनो हाइब्रिड। मोनो हाइब्रिड का मतलब है एक संकर संकर, एक संकर संकर। इसके बारे में हमें देखना है, एक संकर संकरण के बारे में कि कैसे इन्होंने अध्ययन किया। इन्होंने जो मटर का चयन किया, कुछ लंबे पौधे वाले को लिया जो क्या थे, प्योर लंबे थे, और कुछ प्योर क्या थे, बौने थे। ये है क्या, ये आपके पेरेंट्स, पेरेंट्स ये लिखा जाएगा प्योर टाल प्लांट, और ये आपका है प्योर डॉर्फ प्लांट, शुद्ध लंबे पौधे। क्या हो गए? शुद्ध लंबे पौधे। ये कैसे हैं? शुद्ध बौने पौधे, शुद्ध लंबे पौधे एवं शुद्ध बौने पौधे, दोनों के बीच क्या किया गया, क्रॉस। अब देखिए, ये आपके
कैपिटल टी कैपिटल, ये है गैमिट। क्या है? गैमिट्स, ये आपके गैमिट्स हो गए। अब देखिए दोनों के बीच क्रॉस कराया गया, यहां क्रॉस आप लिखेंगे, क्रॉस या शंका। तो इसमें सभी पौधे पहली पीढ़ी में लंबे दिखाई दिए, सभी पौधे पहली पीढ़ी में लंबे दिखाई दिए, सभी पौधे लंबे संकरण संकरण हुए। इसे हम F1 जनरेशन, F1 पीढ़ी का है। इसके बाद यहां पर क्रॉस कराया गया, जब यहां पर क्रॉस कराया गया F2 पीढ़ी, इसे हम लिखेंगे F2 जनरेशन, F2 जनरेशन। इसमें कुछ लंबे संक्रमित और कुछ प्योर बाउंड, इसे हम कहेंगे शुद्ध बाउने, शुद्ध बाउने, शुद्ध लंबे और संकरण लंबे। तीन अनुपाती। अब आइए समझिए, देखिए हमने यहां देखिए क्रॉस कराया, प्योर शुद्ध लंबे पौधे को लिया, प्योर शुद्ध बौने पौधे को लिया, ये पेरेंट्स हो गए, माता पिता हो गए। इसके बाद क्रॉस कराया गया, क्रॉस कराने पर ये इनका गैमिट है शुद्ध लंबे का, और ये शुद्ध बौने का क्या है? गैमिट है। ये शुद्ध लंबे तथा शुद्ध बौने पौधे से F1 पीढ़ी में जनरेशन में जो पौधे प्राप्त हुए, वो सभी पौधे कैसे हैं? सभी पौधे लंबे लेकिन संक्रमित संकरण वाले हैं। तो इसमें बौने पौधे का गुण छिपा रह गया और लंबे पौधे का गुण प्रदर्शित हो गया, प्रभावी हो गया। इसलिए मेंडल ने यहां एक नियम प्रतिपादित किया, प्रभाविकता का नियम। प्रभाविकता का नियम क्या है? कि ऐसे पौधे जो प्रथम पीढ़ी में अस्पष्ट रूप से अपना लक्षण दिखाई देते हैं, उसे हम प्रभावी कहते हैं, प्रभाविकता का नियम कहते हैं। तो यहां स्पष्ट रूप से पौधे कैसे अपना लक्षण दिखाई दिए? लंबे। सभी पौधे प्रथम पीढ़ी में कैसे प्राप्त हुए? लंबे प्राप्त हुए, ये F1 जनरेशन। फिर ये जो लंबे पौधे संकरण हुए पौधे थे, इनके बीच जब क्रॉस कराया गया, यहां क्रॉस कराया गया, तो इनसे कुछ पौधे शुद्ध लंबे, कुछ पौधे शुद्ध बौने तथा कुछ फिर संकरण लंबे पौधे प्राप्त हुए। इस प्रकार से देखा जाए ये एक अनुपाते एक का अनुपात बनता है। एक क्या है? शुद्ध लंबा,
दो क्या है संकरण लंबी, एक क्या है शुद्ध बवनी, लेकिन ये करेक्ट नहीं है। करेक्ट आपका 3:1 है, 3:1। क्यों? क्योंकि ये तीनों पौधे कैसे हैं, ये तीनों पौधे लंबे हैं और ये प्योर पौधा बौना है, इसलिए F2 पीढ़ी में इनका अनुपात कैसे आया, F2 पीढ़ी में सभी 3:1 का अनुपात आया। इस प्रकार से ग्रेगर जान मेंडल ने एक संकरण संकरण का प्रयोग किया, जिसमें आप लोगों को शुद्ध लंबे पौधे से और प्योर शुद्ध बौने पौधे के बीच क्रॉस करा करके 3:1 का रिजल्ट आया। थैंक यू।